श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भारद्वाजकुलाब्धि शीतकिरणश्री श्रीनिवासात् गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छन विधिं रंगेन्द्र योगीश्वरी विन्यस्तात्मपरं तदीयकरुणा संप्राप्त सज्ञानकं वंदे शांतिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुं அஸ்மத்குருபரம்பராயை நமஹ. இன்று ஆஜ் ஹம் தூசரா ஸ்லோக் ஸ்ரீ ஸ்துதி மே தேக்னே வாலே ஹே. கல் ஹம் பஹலா ஸ்லோக் மானாதீத பிரதித விபவாம் மங்களம் மங்களானாம் வக்ஷஃ பீட்டீம் மதுவிஜயினோ பூஷயந்தீம் ஸ்வகாந்த்யா பிரத்யக்ஷானுஸ்ரவிக மஹிம பிரார்த்தினீனாம் பிரஜானாம் ஸ்ரேயோ மூர்த்திம் ஸ்ரீயம் அசரணஹ त्वाम शरण्याम प्रपद्ये इन्द्र. इस श्लोक को हम देखे थे, हम अर्थ सहित प्रतिपादन भी किए थे. आज दूसरा श्लोक है. दोनों श्लोकों को सावधान देखने से ये पता चलता है कि शरणागति गद्य में जो चूर्णिका है लक्ष्मी जी की शरणागति के विषय में, ओम भगवन नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलाद्यनवतिकातिशया संकेय कल्याण गुणगणाम पद्मवनालयाम भगवतीम श्रियम देवीम नित्यानपायिनीम निरवद्याम देवदेव दिव्य महिषीम अखिल जगन्मातरम अस्मन्मातरम अशरण्य शरण्याम अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये. इसमें जो अशरण्य शरण्याम अनन्य शरणहा इन दोनों शब्दों के ऊपर ध्यान देकर ही वेदांत देशिक त्वाम शरण्याम प्रपद्ये अशरणहा श्रियम अशरणहा त्वाम शरण्याम अनन्य शरणहा शरणमहम प्रपद्ये सर्वलोक शरण्याम त्वाम शरणमहम प्रपद्ये ऐसा प्रतिपादन किए थे. इस श्लोक में उसी चूर्णिका में अंतर्गत पद्मवनालयाम ऐसा शब्द का व्याख्यान भी कर रहे हैं. प्रकृत श्लोक में द्वितीय श्लोक, द्वितीय श्लोक क्या है, उसका स्वरूप क्या है वो देखेंगे. आविर्भाव कलश जलधावध्वरे वापियस्याः स्थानम यस्या सरसि जवनम विष्णुवक्षस्थलम वा भूमायस्या भुवनमखिलं देवी दिव्यं पदं वा स्तोक प्रज्ञैरनवधि गुणा स्तूयसे सा कथं त्वम्. नैचानुसंधानम करके एक विषय संप्रदाय में प्रसिद्ध है. जो ग्रंथकर्ता है वो अपनी नीचता का प्रकटन करते ही हैं. स्तोतव्य वस्तु का जो महिमा है उसको कहने के लिए हम तो अल्प प्रज्ञ हैं, स्तोक प्रज्ञ हैं. स्तोक शब्द का मतलब अल्प है. स्तोक प्रज्ञ ही अत्यधिक कम ज्ञान वालों हम जैसे लोगों से कथम स्तूय से आप कैसे स्तुति की जाती है जाती हो. परंतु आपका जो महिमा है वो अपार है. भगवान की महिमा से भी अतीत है आपकी महिमा. आविर्भावहा कलश जलथौ क्षीराब्धि में आप अवतार किए हैं. कलश जलधि का मतलब क्षीराब्धि है. क्षीराब्धि में लक्ष्मी जी एक समय विशेष में छुप गई थी. वहाँ से भगवान क्षीराब्धि मंथन करके उसमें से अत्यद्भुत चीज़ों को निकाले थे. अमृत आया, चंद्र आया, इस प्रकार अनेक पदार्थों को उन्होंने समुद्र से क्षीराब्धि से लाए थे. उसमें लक्ष्मी जी भी आई थी. उस लक्ष्मी जी को भगवान अपनाए हैं, अर्थात लक्ष्मी जी स्वयं अपनाई थी भगवान को. पश्यताम सर्वदेवानाम ययौ वक्षस्थलम हरे हे ऐसा. इसलिए भगवान क्षीराब्धि में भी वास करते हैं. क्षीराब्धि में वास करना बहुत पसंद करते हैं भगवान. श्री वैकुंठ में वास करते हैं,
वही भगवान क्षीराब्धि में भी वास करते हैं, वही भगवान श्रीरंगनाथ के रूप से श्रीरंग क्षेत्र में भी वास करते हैं, ऐसा आचार्यों का प्रतिपादन है। वही भगवान मथुरा वृंदावन में कृष्ण के रूप से अवतीर्ण, अयोध्या में राम के रूप से अवतीर्ण, ये सब भगवान का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है वो भगवान के स्वरूप से भी अतीत महिमा वाली है। आविर्भावहा कलश जलधौ, कलश जलधौ आविर्भावहा, कहाँ अवतार की है, अत्युत्तम क्षीराब्धि में है। और अध्वरेवापि यस्याः, यस्याः आविर्भावः कलशजलधौ अध्वरेवा, जनक महर्षि के याग के लिए खोदी गई भूमि से निकली, इसलिए अध्वरेवापि यस्याः, दोनों जगह पे अवतार करते वक्त अयोनिजा है, योनिजा नहीं है, इसलिए भगवान भी दशरथ के पुत्र के रूप से अवतीर्ण और देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप से अवतीर्ण हुए, परंतु लक्ष्मी जी का अवतार वैसा भी नहीं है और अलग प्रकार की है और अयोनिजा के रूप से अवतीर्ण है। इसलिए आविर्भावः कलश जलधौ अध्वरेवापि यस्याः, और वासस्थान कहाँ है, स्थानम यस्याः सरस्यवनम पद्मवनालयाम भगवतीम, चूर्णिका में अंतर्गत पद्मवनालय शब्द को ही इधर सरसिज वनम यस्याः स्थानम, जहाँ नित्यवास करती है वो स्थान किस प्रकार की है, कमल वन है, कमल वन कमलों से मंडित एक अत्यद्भुत स्थान, जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ की वहाँ दंडवत प्रणाम करना उचित है। जहाँ पद्मय स्थिताम पद्मवर्णाम, ऐसा पद्म से संबंध लक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से श्री सूक्त भी कहता है, इसलिए स्थानम यस्याः सरसजवनम, जिसका वासस्थान कमलवन है, अथवा विष्णु वक्षस्थलम वा, विष्णु का वक्षस्थल है, पश्यताम सर्वदेवानाम ययो वक्षस्थलम हरे है, ऐसा विष्णु पुराण जिस प्रकार कहता है, सब देखते रह गए हैं देवताएं, सब देखते वक्त असुर भी देख रहे हैं, देवताएं देख रहे हैं, अपना रक्षण रक्षक कौन बन सकता है, बहुत सुंदर चीज है तो उसका रक्षक बहुत समर्थ होना चाहिए, और इसलिए स्त्रियां अपनी ही ओर से स्वयंवर करते हैं, उनके लिए अनुमति दी गई थी शास्त्रों में, क्योंकि अपना रक्षण करने का सामर्थ्य किस व्यक्ति के पास है, और केवल सुंदर होना ही केवल कारण नहीं है, बहुत सारी देवताएं सुंदर हैं, विष्णु से अतिरिक्त सौंदर्य भी किसके पास है और वीर्य भी किसके पास है, इसलिए विष्णु ही हमारे लिए रक्षक बन सकते हैं, सर्वलोक रक्षक हैं, वो हमारे भी रक्षा वही करेंगे, ऐसा समझकर विष्णु वक्षस्थल में जाकर बैठी थी, इसलिए विष्णु वक्षस्थल भी स्थल भी उसका मुख्य वासस्थान है। बाद में वासस्थान है श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाई का विराजमान है, और जो जिसका स्थान वासस्थान क्षीराब्धि है, जिसका वासस्थान श्री वैकुंठ है, और जिसका वासस्थान श्रीरंग क्षेत्र है, ऐसी जो लक्ष्मी जी है। भूमा यस्या भुवनम अखिलम, यस्याः भूमा अखिलम भुवनम, जिसका ऐश्वर्य है वो संपूर्ण भुवन है, संपूर्ण भुवन जिसका ऐश्वर्य है, संपूर्ण जगत जिसके लिए ऐश्वर्य है, हमारे लिए तो बहुत मेहनत करके थोड़ा छोटा मोटा हम कमाते हैं और ऐश्वर्य समझ के बैठे, बहुत बड़े बड़े धनिक भी धनिक नहीं हैं। आलवार कहते हैं इम मन्नु लहिनिल सेल्बरी पोदिले नोकिनोम,
इस दुनिया में अभी कोई धनिक नहीं है, मैं बहुत दूर तक देख चुका हूँ, भविष्य भी देख चुका हूँ, भविष्य में भी कोई धनिक करके है ही नहीं। तनिक धनिक जैसा लगेगा, परंतु वो धनिक होता तो बहुत सारे लोगों को मदद करता, ऐसा करने वाले हैं ही नहीं दुनिया में। दूसरों का तकलीफ को देखकर भी जो मदद नहीं करता है वो धनिक है ही नहीं। इसलिए कहते हैं मनुलहिनिल शिल्बरी पो दिल्ली नौकिनो। इसलिए आप सब जाकर सामान्य राजाओं की प्रशंसा, सामान्य लोगों की प्रशंसा मत करें और भगवान के पास जाइए, ऐसा कहने के लिए वो इस प्रकार कहते हैं। परंतु लक्ष्मी जी के पास ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य अपार है। ये दुनिया मात्र नहीं है, ये संपूर्ण दुनिया उनका लीला विभूति मानी जाती है। ये लीला विभूति और नित्य विभूति, नित्य विभूति जहाँ संप्रदायांतर में नित्य लीला ऐसा कहते हैं, ये लीला विभूति कहते हैं, हम उसे नित्य विभूति कहते हैं। जहाँ भगवान नित्य लीला करते हैं वहाँ नित्य लीला विभूति कहते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत सुंदर भी बात है। यहाँ भगवान की लीला होती है, यहाँ भी भगवान की लीला अनेकानेक प्रकार होती है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन, बहुत अनेकानेक जन्म लेते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है। कृष्णावतार रामावतार प्रसिद्ध होने की वजह से हमें मालूम है, 10 अवतार मालूम है, परंतु इससे इतना ही नहीं है, सीमित नहीं है, अनेकानेक अवतार होते रहते। और उतने ही अवतारों में भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट होती है और दोनों मिलकर इस दुनिया का रक्षण काम करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि भी स्वयं करते हैं, शिव जी के द्वारा संहार भी स्वयं करते हैं, और वस्तुतः सर्व जंतुओं को अपने अपने काम में प्रेरित करने वाले भगवान स्वयं है, जो उभय विभूति नाथ हैं, लीला विभूति और नित्य विभूति दोनों के नाथ हैं। भूमा यस्याः भुवनम अखिलम देवी दिव्यम पदम वा, दिव्यम पदम वा यस्याः भूमा। और दिव्य लोक जो श्री वैकुंठ लोक है, वो श्री वैकुंठ लोक भी जिसकी जिसका ऐश्वर्य है, जिस लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है, हे देवी ऐसे तू हम जैसे सामान्य लोगों से, स्तोक प्रज्ञ ही अत्यल्प प्रज्ञा वालों से कैसे स्तूय से, आप कैसे स्तुति की जाती हो, हमारे लिए किस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की प्रेरणा कैसे मिलती है कि हम जैसे लोगों से भी स्तुति करा लेती हो खुद की, ऐसा तात्पर्य। स्तोक प्रज्ञ ही अत्यल्प प्रज्ञ ही हम जैसे लोगों से अनवधि गुणात्वम, अत्यंत अनवधि गुण, एंडलेस, जिसका अंत ही नहीं है, अपार महिमा है, अनवधि गुणा त्वम, अनवधि गुणा त्वम कथम स्तूयसे, कैसे स्तुति की जाती हो, अर्थात तू कैसे हमें प्रेरणा देती हो और हमारे द्वारा की गई स्तुति को भी स्वीकार कर लेती हो, ये आश्चर्य की बात है, ऐसा इस श्लोक में प्रकट करते हैं। स्तुति तो करने ही वाले हैं, परंतु खुद का नैचानुसंधान और लक्ष्मी जी का उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए एक सुंदर उपाय इस श्लोक में अपनाई गई है। आविर्भावः कलशजलधावध्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्या सरसजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा, भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा, स्तोकप्रज्ञैरनवधिगुणा स्तूयसे सा कथं त्वम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।